बीबीसी के साथ अब भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत मौजूद हैं। टिकैत साहब, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये बताइए कि आप यहाँ पे आए हैं, आप इस आंदोलन को आप क्या रुख देंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इसके बाद आंदोलन जो है अब इस दिशा में पूर्वांचल में भी बढ़ेगा, आप लोग क्या इसको आगे बढ़ाएंगे? ये तो पूरे देश का आंदोलन है भाई, पूरे देश का आंदोलन है। प्रियंका गांधी जी ने काफी संघर्ष अब किया। अगली मांग क्या है, आपने मध्यस्थता की थी किसानों के बिहाफ पे, कई लोग ये भी कहते हैं कि बहुत जल्दी वो मध्यस्थता हो गई, ऐसा टिकैत साहब का क्या इन्फ्लुएंस है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर कि उन्होंने इतनी जल्दी शर्तें मनवा ली, लेकिन अगली अब आपकी मांग क्या है? अगली नहीं, हमारी उसी दिन से डिमांड ये है कि मंत्री का इस्तीफा हो और उनकी गिरफ्तारी हो। मंत्री की गिरफ्तारी भी चाहते हैं? क्यों नहीं होने की गिरफ्तारी भाई, 120 बीघा मुलजिम है, लेकिन वो नामजद नहीं है एफआईआर के अंदर। है नामजद, आप पड़ोस को है। सर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कई लोग इस बात को लेकर सवाल उठाते हैं कि आप इतनी आसानी से यूपी में घूम रहे हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं को रोका गया है। भाई वो तो विपक्ष वाले बताएंगे या सरकार बताएंगे, वो बताएंगे। और आप जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है अभी तक पुलिस की, जहाँ तक मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, उनकी पूछताछ को लेकर कार्रवाई चल रही है, उससे आप संतुष्ट हैं? रेड कारपेट गिरफ्तारी है, गुलदस्ते के साथ में पूछताछ है, तो हम उससे संतुष्ट नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं, आप और किस गिरफ्तारी जाँच होगी? गिरफ्तारी, मंत्री की गिरफ्तारी और उनका इस्तीफा। अच्छा, लेकिन उसके लिए दबाव आप राज्य सरकार पे कैसे बना सकते हैं, वो तो केंद्र सरकार के अधीन मामला है। दोनों पे ही बन जाएगा भाई, हमारा मूवमेंट है, हम चलता रहेगा। आप उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेके कैसे दबाव बनाएंगे? दिल्ली में कुछ होगा, प्रदर्शन होगा, अस्थि कलश ये हमारे पूरे देश में जाएंगे इनके, और 26 तारीख को हमारा लखनऊ में बड़ी पंचायत है, ये हमारा चलते रहेंगे हमारे प्रोग्राम। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। टिकैत साहब कह रहे थे कि बड़ी पंचायत, महापंचायत लखनऊ में होने जा रही है, वहां पे दबाव बनाया जाएगा, और उनकी प्रमुख मांग अब यही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी की गिरफ्तारी हो, और उनके बेटे के खिलाफ जो जांच चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उससे वो कहते हैं वो अभी तक संतुष्ट नहीं है।